देश की आजादी को 75 साल का लंबा अरसा हो चुका है, जिसको लेकर जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। कोई तिरंगा हाथ में लेकर सड़कों पर गुजर रहा है तो कोई अपने घरों में तिरंगे को लहरा रहा है। लेकिन कुछ इससे हटकर एक अनूठे अंदाज में रामपुर के विकास खंड चमरौआ की ओर से 75 फीट का लंबा झंडा मानव श्रृंखला के रूप में फहराया गया है। आइए दिखाते हैं दिलचस्प खबर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। 15 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त पे हम अपने घरों में हम अपना झंडा लगाना चाहिए और कृपा करके झंडा सीधा करके लगाएं प्लीज। अभी मैंने देखा मार्केट में झंडा ना झुका हुआ लगा था, वो ना लगाएं, सीधा अपने झंडा लगाएं, अपने बाइकों पे लगाएं, अपनी साइकिल पे लगाएं, अपने घर पर लगाएं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों व क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई। मैं 15 अगस्त का यही पूरे देश को, प्रदेश को, अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी लोगों से, मैं देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी दुकान पर, अपने मकान पर, अपने ऑफिस पर, अपने रिक्शा, ऑटो, अपनी बाइक, अपनी कार, सब पर तिरंगा लगाकर अपने देश का नाम ऊंचा करें और मजबूत करें कि मेरा भारत महान। जनपद रामपुर के चमरौआ विकासखंड के बीडीओ की जिम्मेदारी पीसीएस अधिकारी डॉक्टर अभिनीत कुमार पर है। उन्हीं की अगुवाई में आजादी के अमृत महोत्सव पर विकासखंड कार्यालय के गेट के निकट मानव श्रृंखला के साथ 75 फीट लंबे झंडे को फहराया गया है। इस दौरान अधिकारियों और कर्मियों के साथ ब्लॉक प्रमुख हीराबाला यादव के अलावा क्षेत्र के ग्राम प्रधान एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देश की आजादी की प्रति सब सजग रहे कि कैसे कैसे हमारे देश आजाद हुआ, उसमें 75वीं मना रहे हैं। जो हमारा भारतवर्ष है ये 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में इसको सिम्बलाइज करने के लिए हमारे विकास खंड चमरौआ जनपद रामपुर से 75 मीटर का झंडा यहाँ पे मानव श्रृंखला के रूप में फहराया जा रहा है। तो कुछ कोई यात्रा भी आप निकालेंगे क्या? नहीं, आज नहीं, कल है हमारी 75 मोटरसाइकिल की रैली होगी। तो लगभग कितने फीट का होगा ये झंडा? ये 75 मीटर का झंडा है 75वीं वर्षगांठ को सिम्बलाइज करने के लिए।